चलो स्टार्ट। नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा। कल अपन ने इंग्लिश टेंस का चार्ट समझा था। इस चार्ट के आधार पर पहला टेंस जो होता है वो होता है अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब अपन बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की, यानी कि साधारण वर्तमान का। इसकी एक परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन है, जिस वाक्य के अंत में, वाक्य कोई सा भी सेंटेंस हो उसके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता हो वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस पाया जाता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब के अंत में अगर एक वचन करता हो तो उसके लास्ट में एस या एस का उपयोग किया जाता है, एवं सहायक क्रिया के रूप में। सहायक क्रिया मीन्स इंग्लिश ट्रांसलेट जैसे हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया के रूप में एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर, एक वचन कर्ता के साथ डस का उपयोग तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का उपयोग किया जाता है। अब इसके कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे अपन अफर्मेटिव बनाते हैं सकारात्मक, नेगेटिव बनाते हैं नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि प्रश्नवाचक। तो इनके अलग अलग फार्मूले होते हैं। अब मैं आपके सामने फार्मूला लिखता हूं। देखिए, जैसे अफर्मेटिव को बनाते हैं अपन, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। अपने ग्रामर में सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद फिर आती है अपनी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर अपन लगाते हैं एस या ईएस, क्योंकि अपने डेफिनेशन में बताया है कि मुख्य क्रिया का लास्ट वर्ब अगर मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस का प्रयोग किया जाए, इसलिए अपने को स्ट्रक्चर में भी एस या ईएस को दर्शाना पड़ेगा। उसके बाद अपन लिखते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रहे, एस या ईएस को कब लगाया जाता है? जब अपना सब्जेक्ट एक वचन हो। अगर अपना सब्जेक्ट बहुवचन हो तो एस या ईएस का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। अब अपन बात करते हैं नेगेटिव की। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अपने बोला था सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या बताई थी अपन ने? एक वचन कर्ता के साथ डस तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू। तो अपन क्या लिखेंगे यहां? डस और डू। फिर अपन लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब मतलब क्या होता है? मुख्य क्रिया। और फिर अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब यहां से एस एस क्यों हटा दिया? क्योंकि अपन ने सहायक क्रिया को लगा दिया। सहायक क्रिया लगने के बाद वह वाक्य ऑटोमेटिक एक निश्चित स्थिति को बता देता है। अब अपन बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या होता है? सहायक क्रिया को सबसे प्रथम लिखा जाता है। फर्स्ट में सहायक क्रिया को लिखा जाता है। सहायक क्रिया बोले तो अपने डस और डू। फिर अपन लिखेंगे सब्जेक्ट को। फिर अपन लिखेंगे मेन वर्ब को, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्या लिख देंगे? क्वेश्चन मार्क। अब अपन आगे बात करते हैं कुछ इनके एग्जांपल की। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल समझा रहा हूं, वो एग्जांपल अपने पूरे परिभाषा के आधार पर ही चलेगा, और अपना जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के आधार पर अपना पूरी जो एग्जांपल है वो चलेंगे। अब आप एग्जांपल को अपन देखने वाले हैं। पहले थोड़ा सा एक क्लियर कर देता हूं एस या ईएस का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो अपने इंग्लिश अल्फाबेट में 26 वर्ड होते हैं, उनमें से 5 वर्ड जो वोवेल्स होते हैं, साथ में वोवेल्स से अपन बात करते हैं ए ई आई ओ यू, साथ में कुछ और वर्ड है एक्स सी एच और डबल एच। अगर मुख्य क्रिया का लास्ट वर्ड अगर इन 8 में से एक भी आता है तो उस मुख्य क्रिया के साथ में सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया के साथ में ईएस का प्रयोग किया जाता है, और अगर इनके छोड़कर अगर कॉन्फ्लुएंट शब्द आते हैं तो वहां पर एस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे अपन ने बता दिया राम बाजार जाता है। अब अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो डेफिनेशन क्या होता है? अपन ने बोला था कि मुख्य क्रिया का लास्ट वर्ड ता है, ती है, ते है आदि शब्द आता है वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाता है। तो क्या इसका आखिर शब्द ता है, ती है, ते आ रहा है? हाँ, इसका आखिर शब्द क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते, यानी कि ता है। तो इसका अब अपन अफर्मेटिव बना देते हैं। तो राम अपना सब्जेक्ट है, मतलब करता है, राम किसी कार्य को कर रहा है, तो राम अपना क्या बना? सब्जेक्ट बना। साथ में अपने को चाहिए मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या कर रहा है? वो बाजार जाना या जाता है, तब जाएगा तब तो बाजार आएगा, तो उसका मेन क्रिया मुख्य क्रिया क्या हो रही है, मुख्य कार्य क्या कर रहा है? जाने का। और जाने को क्या बोलते हैं?
गो, क्या बोलते हैं गो। अब देखिए अपने ऐसा बताया था कि अगर मोबाइल से शब्द आते हैं तो वहां पर यस का प्रयोग क्या रहता है, तो इसका लास्ट वर्ड क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ओ अपना इंग्लिश अल्फाबेट का एक वोवेल शब्द है, इसलिए इसके पीछे क्या लगा जाता है ये। साथ में ये देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या अपना एकवचन है, हाँ अगर सब्जेक्ट एकवचन है तो यहाँ पर गाय का प्रयोग किया जाएगा गोस। अब आगे देखते हैं टू, और कहाँ जा रहा है वो, बाजार जा रहा है, तो बाजार को क्या बोलते हैं मार्केट। अब इसी का अगर अपन नेगेटिव बनाते हैं तो इसी का अगर अपन नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे क्योंकि अपना स्ट्रक्चर भी बोलता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए, फिर अपने को डस और डू का प्रयोग करना है। तो अपन ने डेफिनेशन में ऐसे बताया था कि अगर एक वचन करता हो तो डस का उपयोग और बहुवचन करता हो तो डू का उपयोग करना है। तो अपना जो राम है, राम एक व्यक्ति है इसलिए काय का प्रयोग होगा, डस का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या लगाना है अपने को, नोट लगाना है क्योंकि नकारात्मक शब्द बनाना है, क्या बनाना है नकारात्मक शब्द बनाना है, इसलिए क्या लग जाएगा नोट लग जाएगा। फिर अपने को वर्ब लगानी है तो वर्ब क्या जाएगी, वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इसलिए क्या लगा दिया अपन ने गो टू मार्केट, और मार्केट क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपन बनाते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक बनाना। अब सबसे पहले प्रश्नवाचक बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगाया अपन ने डज लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या अपने पास राम, राम सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब क्या अपने गो टू मार्केट, और आखिर में क्या लगा देंगे अपन क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार यह एक वचन करता वाला था, अब मैं आपको बताना जा रहा हूं बहुवचन करता। जैसे मैं मंदिर जाता, मैं मंदिर जाता हूं तो आई, अब आई क्या हो गया, आई यहां बहुवचन बताता है, आई क्या बताता है बहुवचन बताता है, इसलिए आई गो टू टेंपल, गो टू गो मतलब जाना, ये अपनी वर्ब हो गई। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं अपन, ये अफर्मेटिव था और इसका नेगेटिव बनाते हैं तो आई, अब आई अपने क्या है बहुवचन, इसलिए काय का प्रयोग होगा डू का प्रयोग होगा, आई डू नॉट गो टू टेंपल। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में डू हेल्पिंग वर्ब कहां चली जाती है, आगे चली जाती है, डू आई गो टू टेंपल, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार मैंने आपको एक वचन कर्ता का बताया और एक बहुवचन कर्ता का बताया, ठीक। बाकी के एग्जांपल भी इसी प्रकार सॉल्यूशन होंगे। इसी के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस बिल्कुल आसान तरीके से सीखने का इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है, ये सबसे बेटर सबसे अच्छा तरीका एक टेंस सिखाने का है, क्योंकि टेंस बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर इस विधि से अगर आप टेंस को सीखेंगे तो आपको आनंद भी आएंगे और टेंस भी आप सीख जाओगे। आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।